बच्चों, आई वेलकम यू टू द साइंस क्लास। सो आज मैं आपसे चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है? और कोई भी डिफिकल्टी हो मुझे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? आपको लगता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक जैसा फूड चाहिए? ऐसा नहीं है, नो आंसर में, क्योंकि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसकी फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उनको अलग अलग तरह का फूड चाहिए उनकी डेली वर्क के बेसिस के ऊपर। जिस तरह से वो काम करते हैं उसके बेस के ऊपर उनको अलग अलग तरह का फूड चाहिए। अच्छा, फूड रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में रखा गया। पहला है तो बेटा वो है हर्बीवोर, ठीक है? हर्बीवोर, अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। हाँ जी, हर्बीवोर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है? जैसे काउ होगी, एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया। सो हम क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास है कार्निवोर। कार्निवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, लिजर्ड, ठीक है? ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ये प्लांट्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते। फिर आता है ओमनीवोर, ये वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास डॉग, कैट, क्रो, ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास ओमनीवोरस प्लांट्स के हैं, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है, 5 प्लांट्स बताओ और उनके पार्ट्स बताओ जो हम खाते हैं। तो बेटा सबसे पहले है कैरेट, ठीक है? उसके हम क्या खाते हैं, रूट। फिर पीस, पीस के हम खाते हैं सीड। एप्पल खाते हैं हम फ्रूट की फॉर्म में, एप्पल का फ्रूट खाते हैं। कॉलीफ्लावर का हम फ्लावर खाते हैं। कैबेज का हम लीफ खाते हैं। फिर हमको मैच करना है एक दूसरे के साथ कॉलम को, तो आइए कैसे मैच करें। तो ससबसे पहले कॉलम ए में हमें मिल्क, कर्ड, पनीर, घी दिया हुआ है। ये सारे के सारे कौन से प्रोडक्ट हैं, एनिमल, हमें एनिमल से मिलते हैं ये प्रोडक्ट। फिर हमको दिया हुआ है जी स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब क्या है, हमारी वेजिटेबल्स हैं। फिर है जी लायन एंड टाइगर, ये क्या है, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोर हो गए, ठीक है? फिर उसके बाद आगे हर्बीवोर, हर्बीवोर सिर्फ प्लांट और प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है? सो ओमनीवोर एनिमल्स कौन से एनिमल हुए, दोज एनिमल विच कैन ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल। कार्निवोर विच कैन ईट ओनली एनिमल, एंड हर्बीवोर विच कैन ईट ओनली प्लांट्स। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा फिलअप है। तो टाइगर क्या है, देखो कार्निवोर है, कार्निवोर का मतलब ये होता है प्लांट्स नहीं, एनिमल खाता है। फिर डियर सिर्फ प्लांट्स खाता है प्रोडक्ट, और इसीलिए इसको हर्बीवोर भी बोलते हैं, ठीक है? डियर को हर्बीवोर भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आ गया बेटा पैरेट, पैरेट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, हर्बीवोर। फिर जो मिल्क हम दूध पीते हैं वो हमें किससे मिलता है, काऊ से मिलता है, बैफलो से मिलता है, और हमें गोट से मिलता है जो एक एनिमल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद ई पार्ट, हमें शुगर किससे मिलती है, हमें शुगर मिलती है शुगर केन से। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा टॉपिक था। फिर से टाइगर जो है वो कार्निवोर है, डियर हर्बीवोर है, और टाइगर कार्निवोर क्योंकि एनिमल खाता है, डियर हर्बीवोर क्योंकि प्लांट खाता है, पैरट भी प्लांट खाता तो हर्बीवोर, मिल्क जो हम पीते हैं वो काउ से आता है, बैफलो से आता है, गोट से आता है, ठीक है? फिर हमें शुगर किससे मिलती है, शुगर हमें मिलती है शुगर केन से। तो बेटा ये पहला चैप्टर डिस्कस हो गया, पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है? तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो आया वो है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आर फूड। हमारे फूड में मेजर क्या क्या होता है? हमारे फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाइटामिन होता है, वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेटा, हमारे फूड में पानी की भी बहुत नीड है। ओके, फिर आगे आपको बताना है कोई ऐसा न्यूट्रिएंट बताओ जो सिर्फ हमें एनर्जी देता है बॉडी को, वो बेटा कार्बोहाइड्रेट और फैट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फिर कोई एक और न्यूट्रिएंट बताओ जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है, वो बेटा प्रोटीन और मिनरल्स मदद करते हैं। फिर एक विटामिन जो गुड आईसाइट के लिए चाहिए होती है, हमारी आंखों के लिए कौन सी विटामिन बेस्ट है, वो है विटामिन ए। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास डी पार्ट कैल्शियम जो है, वो मिनरल है जिसको हमारी बोन्स और में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, टीथ में भी। तो बेटा अगला क्वेश्चन, दो फूड बचाने बताने जिस ईच रिच इन फैट, किस किस फूड में होती है? आपको पता है ग्राउंड नट में होती है, बटर में होती है, घी में होती है। स्टार्च किस में मिलेगी आपको? राइस और मैंगो में। डाइट्री फाइबर किस में मिलेंगे? पोटैटो और पल्सेस में। प्रोटीन किस में मिलेंगी? फिश और दालों के अंदर आपको बहुत प्रोटीन मिलेंगी। फिर स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फॉल्स बतानी है, सो आइए करें। तो अगर हम राइस खाएंगे तो क्या हमारी सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी? नो, इट इज़ फॉल्स। अगर कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसको हम अच्छी बैलेंस डाइट खाने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके रोज के खाने में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, फिर मिनरल्स हैं तो और विटामिंस हैं, तो आपको बीमारियां भी नहीं होंगी और सारी बीमारियां आपसे दूर भाग जाएंगी। और बेटा कोरोना भी उन लोगों को नहीं होता जिनकी डाइट में बहुत बैलेंस्ड होती है, अच्छी होती है और पूरी हेल्थ होती है। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आप पूरी करें तो कोरोना से वैसे ही बचे रहेंगे। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अ बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है, नहीं, ठीक है, अ बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग है। फिर उसके बाद मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, नो जी नो, मीट में तो हमें सिर्फ प्रोटीन मिलेगी, फैट मिलेगी, विटामिंस के लिए तो आपको फ्रूट्स वगैरह खाने पड़ेंगे ना। फिर बेटा हमारे पास एंड में आ गया फिलअप। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। सो ये बेटा मैंने आपसे पूरा लेक्चर दोनों डिस्कस कर लिए चैप्टर 1 एंड 2 के। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम।